हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लिपिक भर्ती 2022 यानी कि सहायता प्राप्त स्कूलों में लिपिक की भर्ती के आवेदन इस समय चल रहे हैं। कितने अब अभ्यर्थियों के मन में है कि कितने कॉलेज में आवेदन करें, आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा, सभी में सेलेक्ट हो सकते हैं या नहीं, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों से संबंधित आपका हम जवाब शामिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए इसमें इससे संबंधित जानकारी। अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि कितने कॉलेज में आवेदन करें, तो इसके लिए आपको कोई सीमा नहीं है। आप चाहे तो एक कॉलेज में आवेदन करें, चाहे दो कॉलेज में, चाहे 10 कॉलेज में, चाहे 100 कॉलेज में, या फिर चाहे उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेज हों आप आवेदन कर पाएंगे। सिर्फ एक आपके पास योग्यता होने चाहिए, आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए और पीईटी परीक्षा में आप पीईटी 2021 में आप शामिल होने चाहिए। पीईटी 2021 में शामिल होने के साथ साथ है एक चीज़ की और ही कि पीईटी में आपके 50% से अधिक होने चाहिए पीटी 2021 परीक्षा में, तभी आप ये आवेदन कर पाएंगे। तो ये इतना आपके लिए है और बाकी कॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी कॉलेज में आवेदन कर पाएंगे। आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा इस पर भी हम बात करेंगे, सभी में सिलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने 50 कॉलेज में आवेदन किया है तो क्या एक ही कॉलेज में सिलेक्ट होंगे या सभी में हो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप सभी में सिलेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकते हैं। यदि आपने अच्छा स्कोर, आपका पीईटी में अच्छा स्कोर है और परसेंटाइल में आपने अच्छा स्कोर यानी कि इंटरव्यू में आपने अच्छा स्कोर प्राप्त किया है, तो निश्चित तौर पे आप सभी कॉलेजों में, कई कॉलेजों में जहाँ जहाँ आपने आवेदन किया है आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अब आरक्षण के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आरक्षण संबंधी नियम की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र किसी भी विद्यालय को देना था जब ये ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, प्रमाणित किया जाता है कि संस्था, विद्यालय जो भी है, में सहायक लिपिक के पद सृजित हैं। देखिए, किसी भी स्कूल में किसी भी हालत में सहायक लिपिक के 2 से 3 पद, बहुत बड़ा स्कूल हुआ तो 4 पद, इससे ज़्यादा कहीं पद होते नहीं। 5 पद तो बहुत मुश्किल से होते हैं क्योंकि अलग अलग कैडर के। यहाँ पे सिर्फ सहायक लिपिक के बात की जा रही है, यानी कि सीनियर लिपिक आदि की बात नहीं की जा रही, जिस पद पर भर्ती हो रही है उसकी बात की जाए। पद सृजित हैं यानी कि यहाँ पे 5 पद हैं, 6 पद हैं, 7 पद हैं, तो यहाँ पे ये आप सूचना देनी पड़ेगी। जिनमें पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित है एवं सीधी भर्ती हेतु निर्धारित है, ठीक है, ये भी लिखना है कि इसमें कैसे भर्ती होती है, पदोन्नति से या सीधी भर्ती से। आरक्षण नियमावली के तहत 5 से कम पदों पर आरक्षण संबंधी नियम लागू ना होने के कारण उक्त पद पर आरक्षण नियम लागू नहीं है। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि बहुत बड़े विद्यालयों में 5 से ज़्यादा ही पद होते हैं, वो भी सहायक लिपिक के पद, तो बहुत कम कॉलेजों में, बहुत कम क्या, 99% कॉलेजों में क्या है कि 5 से कम सहायक लिपिक के पद हैं। तो इसलिए आप ही मान लीजिए कि मोस्ट प्रोबेबली किसी भी पद पे आरक्षण लागू नहीं है। आरक्षण लागू है लेकिन 5 से कम पद ज़्यादातर स्कूलों में होते हैं, इसलिए आरक्षण का लाभ उन्हीं स्कूलों में नहीं होगा। जब ने आप ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे थे उस समय भी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या, लगभग सभी स्कूलों में, कुछ को छोड़कर सभी, लगभग सभी स्कूलों में जो है अनरिजर्व 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 करके आया था। तो ये समझ लीजिए कि इस भर्ती में नाम मात्र की आरक्षण प्रक्रिया लागू है, यानी कि जिन बहुत कम स्कूलों में आरक्षण की प्रक्रिया इसमें आपको मिल पाएगी, तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों को इसमें अनारक्षित में ही फाइट करना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे तय है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आरक्षण से संबंधित हमने किया कि 5 से कम पद होने पर कहीं भी आरक्षण लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये रही आपके लिए अपडेट, इस वीडियो में इतना ही। भले ही आपसे अलग अलग आवेदन लिए हों कि EWS के लिए इतना फीस जमा कर दीजिए, SC के लिए इतना कर लीजिए, ST के लिए इतना ही कर लीजिए, भले ही आपसे फीस कम ली गई है लेकिन आपको क्वालिफाई अनारक्षित एक ही सीट है, तो एक ही सीट पे अनारक्षित में सभी एक समान फाइट करेंगे, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, EWS हो, SC हो, ST हो, दिव्यांग हो, ये सभी अनारक्षित पे फाइट करेंगे। तो ये रही आपके लिए बड़ी अपडेट, आप इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।